देहाती महकमे की जानिब से सैफ्रॉन फेस्टिवल का अहतमाम। खेलकूद को फरोग देने के मद्देनजर नेशनल लेवल वुशु चैंपियनशिप का अहतमाम। और पुलों की तामीर कर मरकजी हुकूमत ने किए लोगों के ख्वाब पूरे, बड़ी आबादी होगी इससे मुस्तफीद। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ रचना, आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर में पैदा होने वाले जाफरान की। आलमी सतह पर वादी कश्मीर के मुनफरिद शिनाख्त महज उसकी कुदरती खूबसूरती की वजह से ही नहीं है। यहां पैदा होने वाला जाफरान भी अपने म्यार की वजह से न सिर्फ मुल्क में बल्कि आलमी सतह पर खुसूसी अहमियत रखता है। सैयाहों को इसकी तरफ रागिब कराने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से पंपोर में सैफ्रॉन फेस्टिवल का अहतमाम किया गया। इसी के हवाले से पेश है ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में जाफरान अहम जमीनी पैदावारों में से एक है। दुनिया भर में अपनी क्वालिटी के लिए मशहूर इसकी काश्तकारी को मजीद फरोग दिया जा रहा है। इसी सिमत में पुलवामा के पंपोर में टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से सैफ्रॉन फेस्टिवल 2022 के नाम से एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस मौके पर मकामी सतह के मौसीकी के जरिए कश्मीरी सकाफत से ताल्लुक रखने वाले फनकारों ने एक अलग ही तरह का खुशनुमा माहौल कायम किया। टूरिस्ट यहाँ से गुजरते हैं या हम दूसरे एरिया से टूरिस्ट को लाते हैं पर्टिकुलरली हार्वेस्टिंग के लिए, और ऐसे में डिपार्टमेंट का जो ये फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पर एक म्यूजिकल वो भी चलता है और यहाँ के बच्चे होते हैं, अब एक फेस्टिविटीज का एक माहौल क्रिएट किया जाता है यहाँ पर, और जो लोकल लोग हैं यहाँ पर जो सैफ्रॉन के साथ वाबस्ता है वो भी आते हैं, इस फेस्टिवल में शिरकत करते हैं, एक अच्छा समा बन जाता है टूरिस्ट के लिए, तो एक एक्टिविटी क्रिएट की जाती है, और उसके साथ साथ हमारे टूरिस्ट सैफ्रॉन फील्ड्स भी विजिट करते हैं और कल्टीवेशन भी देखते हैं, हार्वेस्टिंग भी देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है उनके लिए। अक्टूबर से लेकर नवंबर तक वादी में मौसम सरमा के आगाज के साथ ही वादी के मुख्तलिफ इलाकों में लगाई गई जाफरान खिलने लगती है, जो कि इलाका मकीनों के लिए बेहतर काश्त की जानिब इशारा होता है। ये इनके लिए बेहद खुशी का मौका होता है जब दूर दूर तक जाफरान के खुशबू समेटे बैगनी रंग के फूल ही फूल नजर आने लगते हैं। इस मौके पर बच्चे भी पेंटिंग्स के जरिए अपने कैनवस में खूबसूरत रंग भरते हुए वहां आने वाले सैयाहों को अपनी जानिब राखिब करते हैं। आज के दिन में जो यहां पर ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है ये टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से है सैफ्रॉन फेस्टिवल के नाम से, तो जिस तरह बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तुलिफ का भी मनाया जाता है और भी बहुत सारे फूल, हमारी ट्रेडिशनल कश्मीर जो हमारी कस्टम है जो हमारी रिवायत है, एक एक्साइटमेंट होती है लोगों की जहां लोग आते हैं देखने के लिए कि जो फूल आते हैं उनको एक भरपूर अंदाज में लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इसी सिलसिले में आज की ये कड़ी यहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बहुत मुनाकिद किए हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही खुशाइंद बात है। सैफ्रॉन टूरिज्म जो है, जो सैफ्रॉन जो है हमारी इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट है, तो हम चाहते हैं कि सयाह यहाँ आए, वो एक तो इन फील्ड्स का भी मजा ले, इस ब्लूम का भी मजा ले, अगर आप देखेंगे कि आगे पीछे यहाँ पे पर्पल ब्लूम है तो इसका भी मजा ले, और उसके साथ साथ सैफ्रॉन खरीदे भी, जिससे हमारी लोकल इकोनॉमी को भी प्रमोशन मिले, हमारे टूरिज्म को भी प्रमोशन मिले। इन दिनों कश्मीर के मुख्तलिफ सियाहती मकामात को जोड़ने वाली जम्मू श्रीनगर शहरा से गुजरने वाले मुसाफिरों के लिए ये मौका महज सैर सपाटे तक ही महदूद नहीं होता, बल्कि इन्हें जाफरान की हार्वेस्टिंग के बारे में नजदीक से जानने का मौका भी मिलता है। बहुत से सयाह मौके पर ही ताजा जाफरान की खरीदारी भी कर रहे हैं। घर बैठे होने वाले इस मुनाफे से मकामी काश्तकार बेहद खुश हैं। कई सालों से इसकी प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट हर एक इकदाम उठा रही है, खासकर सैफरान के हवाले से, या फेस्टिवल हो या कहीं सैफरान के रिलेटिव प्रोग्राम हो, तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये इसकी प्रमोशन होनी चाहिए, इसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने हर एक इकदाम उठाए। तो लास्ट में हमारी एक कुछ प्रॉब्लम थी सैफरान के लिए, वो सिर्फ मार्केटिंग के हवाले से प्रॉब्लम थी, तो वो भी अब दूर हो गई पिछले दो सालों से भी, वो भी गवर्नमेंट खुद पब्लिसिटी कर रही है, हालांकि पिछले साल तो वजीर आजम साहब ने खुद इसकी पब्लिसिटी, कश्मीरी सैफरान की पब्लिसिटी की है। बरसों से पुलवामा, बड़गाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ के इलाके जाफरान की काश्तकारी के लिए मशहूर रहे हैं,
यहाँ जाफरान की काश्त को बढ़ावा देने के लिहाज से नेशनल जाफरान मिशन को कयाम अमल में लाया गया, जो पंपोर के हजारों कुंभों के साथ साथ बड़ी तादाद में इससे वाबस्ता लोगों के लिए मुनाफा बख्श है। आज जाफरान की क्वालिटी मजीद बेहतर करने के लिए इसकी GI टैगिंग से लेकर खास पार्कों को तैयार करने तक के इकदाम उठाए गए हैं, ताकि दुनिया के कोने कोने तक कश्मीरी जाफरान को पहुंचाया जा सके। और अब बात करते हैं बच्चों की खेलकूद में दिलचस्पी को फरोग देने की। खेलकूद में अलग अलग खिलाड़ियों के साथ मुकाबले की अपनी अहमियत है। इसी के मद्देनजर मुख्तलिफ गेम्स के लिए मुख्तलिफ लेवल पर चैंपियनशिप का एहतमाम किया जाता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गुज़श्ता दिनों श्रीनगर में 31वें नेशनल वुशू चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। इस चैंपियनशिप का इफ्तिताह गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया, जिसमें बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने शिरकत की। खेलकूद को फरोग देने के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में खेलकूद की सरगर्मियां लगातार जारी हैं। बच्चों के टैलेंट को निखारना, उन्हें आला सतह के मुकाबलों में शरीक होने के लिए इंतखाब करना इसमें शामिल है। इसी के तहत गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स ग्राउंड में 31वीं सीनियर नेशनल वुशू चैंपियनशिप में गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से किया गया। इस मौके पर जलसे को खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में खेलों को फरोग देने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन इकदाम करने का वादा किया। जब हम खेलते थे उस वो स्टेज और आज का जो स्टेज है, बड़ा अंतर आ गया है कि आज का जो स्टेज है कि आज हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में इंडोर स्टेडियाज हैं, आउटडोर ग्राउंड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट्स हैं, कोचेज हैं। तो ये एक बड़ी एक बूस्ट मिल रहा है बच्चों को कि जो बच्चा अगर पहले मतलब जब हम करते थे स्टार्ट तो हमें स्पेशली जो रिमोट एरियाज के थे वो आते थे श्रीनगर या जम्मू, आज हर डिस्ट्रिक्ट में, हर प्रोविंस में, हर तहसील में कोचेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो बड़ा ज़्यादा मेजर एक बूस्ट मिला है स्पोर्ट्स को। 31वीं सीनियर नेशनल वुशू चैंपियनशिप में मुल्क भर के 45 एसोसिएशन के तकरीबन 1500 खिलाड़ियों ने शिरकत की। चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब के दौरान वुशू एसोसिएशन ऑफ इंडिया के खिलाड़ियों की जानिब से वुशू की जबरदस्त नुमाइश की गई, जिसे देख स्टेडियम में काफी तादाद में मौजूद लोगों ने उन खिलाड़ियों की जमकर हौसला अफजाई की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर का सकाफती रंग भी खूब देखने को मिला। रिवायती मौसीकी की धुन पर फनकारों ने खूब जमकर रक्स किया। जम्मू कश्मीर में इस तरह के चैंपियनशिप होने से खिलाड़ी बहुत हौसला मंद नजर आए। बहुत ज़्यादा अच्छा इवेंट हो रहा था, 31 सीनियर नेशनल वुशू चैंपियनशिप हो रही है, पहली बार ही कश्मीर में हो रही है। इससे पहले हुई थी बट वो जम्मू में हुई थी, बट मैं बहुत खुश हुई जब मैंने सुना कि 31 नेशनल यहाँ कश्मीर में हो रहा है। मैं थी लाइक कि मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, बाकी मेरे जो सीनियर है वो भी खेल रहे तो मुझे मौका मिलेगा, जो भी नई नई टेक्निक्स है वो सब देखने की मतलब मुझे ये मिलेगी। बाकी जो भी यहाँ मतलब अभी स्पोर्ट्स प्लेयर्स नहीं है या मतलब जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उन्हें मतलब पहली बार ही वो देखेंगे सीनियर नेशनल होता क्या है। मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी वुशू गेम के तई बच्चों की दीवानगी देखते ही बनती है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है गुज़िश्ता महीने गुजरात में हुए नेशनल गेम्स में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों का वुशू में बेहतर मुजाहिरा। खेलकूद के तमाम तरह के टेक्निक से वाकिफ होने के साथ ही उनकी प्रैक्टिस भी इसमें झलकती है। साफ है कि वो इसे महज शौकिया तौर पर ही नहीं खेल रहे, बल्कि करियर के बेहतर इम्कानात को तलाशना उनका मकसद है। सर, ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि ऐसा माहौल है कश्मीर में देख रहे हैं और ऐसी सीनियर नेशनल सेटअप किया है हमारी जे&K स्पोर्ट्स काउंसिल ने, हमारे द्रोणाचार्य अवार्डी कुलदीप भानु जी ने, कि ऐसा हमने बाहर भी बहुत सारी नेशनल्स खेली हैं बट ऐसा माहौल और ऐसा सिस्टम ऐसा कि पहले फर्स्ट टाइम देखा है, कि बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जे&K में सीनियर नेशनल हो रही है। जम्मू कश्मीर में खेलकूद के तई बच्चों की दिलचस्पी को मजीद फरोग मिल रहा है। जमीनी सतह पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, उनकी सलाहियत को निखारने के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है, इससे उनका खुद पर एतमाद पैदा हो रहा है।
इसके साथ ही वक्तन फवक्तन चैंपियनशिप के जरिए उनके टैलेंट को मंजरेआम पर लाकर उनके हौसलों को मजीद बुलंदी अता की जा रही है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि यूनियन टेरिटरी स्पोर्ट्स हब के तौर पर अपनी अलग शिनाख्त कायम कर रहा है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। ये चमकदार और खूबसूरत टेबलवेयर एनवायरमेंटल मटेरियल मिराई वुड यानी फ्यूचर वुड से बना है। ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और बेसबॉल बल्ले बनाने की बेकार लकड़ी का मिक्सचर है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट ने जॉइंटली प्रोजेक्ट डेवलप किया है। SDG को टारगेट करना और एनवायरमेंट की हिफाजत टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की प्रोसेसिंग के लिए तरक्की कर रहा है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट सेक्टर के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का सपोर्ट कर रहा है। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से मुतालिक टेस्ट रिसर्च डिसेमिनेशन और टेक्निकल सपोर्ट की कयादत का मकसद लोगों की लाइफ को बेहतर बनाना है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसने पब्लिक रिक्रूटमेंट की है। रयोको सांगियो को पार्टनर के तौर पर नॉमिनेट किया गया था। ये एक ऐसी कंपनी है जो प्लास्टिक फूड कंटेनरों और मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए प्रोडक्ट्स को डेवलप करती है और इसमें हाई क्वालिटी प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है। खवातीन, खेलते हुए बच्चे, फेमस मैक्सिकन कैरेक्टर और यहाँ तक कि फल भी मेक्सिको सिटी के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाकों में से एक इफ्तापलापा की सड़कों और छतों को वॉल पेंटिंग से सजाता है। प्रोजेक्ट्स के वेब पेज पर एक बयान में कहा गया है कि आर्ट के जरिए पब्लिक प्लेसेस को सजाने और खूबसूरत बनाने के लिए 2018 में लोकल गवर्नमेंट की जानिब से ये वॉल पेंटिंग बनाई गई थी। इस खूबसूरत आर्ट को केबल कार के जरिए 6 मील की लंबी जर्नी के दौरान देखा जा सकता है। मकामी लोगों का कहना है कि इस तरह की वॉल पेंटिंग बनाने से यहाँ के बाजारों और स्टॉल्स में एक नई रौनक आ गई है। 2018 से मई 2022 के दौरान इफ्तापलापा में 7988 वॉल पेंटिंग बनाई गई, जो वहाँ के बाशिंदों और 148 शहरी आर्टिस्ट को एक साथ लाती हैं। आर्टिस्ट अर्सेली रिवेरा ने कहा कि आर्ट पब्लिक प्लेसेस को बेहतर बनाने में मदद करती है, जबकि केबल कार से शहर में आने वाले लोग लैंडस्केप से थोड़ा ब्रेक लगा सकते हैं। मोटरबाइक दिग्गज यामाहा मोटर्स ने शिजुओका प्रीफ में फुजीकावा ग्लाइडिंग फील्ड में छोटे हवाई जहाज की टेस्ट फ्लाइट शुरू की है। ये टेस्ट फ्लाइट शिनमाइवा इंडस्ट्री के कॉपरेशन से की गई थी। शिनमाइवा ने हवाई जहाज प्रोवाइड किया और यामाहा मोटर्स ने 499 सीसी का इंजन प्रोवाइड किया। ये आमतौर पर स्नोबॉल के लिए यूज किया जाता है। इस छोटे से हवाई जहाज में यामाहा मोटर ने जो इंजन लगाया था वो मौजूदा था, इसलिए इसे हवाई जहाज में फिट करने के लिए थार इंजन को मॉडिफाई करना पड़ा। फिर भी यामाहा की मोटरसाइकिल टेक्नोलॉजी ने इसे मॉडिफाई करके छोटे हवाई जहाजों के लिए इंजन का यूज करना पॉसिबल बना दिया। यामाहा मोटर्स ने मोटरबाइक दिग्गज के तौर पर एक स्टेटस एस्टेब्लिश किया है। और अब बात करते हैं जमीनी पैदावार को बढ़ाने की समत में काश्तकारों को बेदार किए जाने की। पैदावार में बढ़ोतरी तभी मुमकिन है जब काश्तकारों को इस बात का इल्म हो कि उनकी जमीन कैसी है, उनकी जमीन की सेहत कैसी है, किस तरह की फसल की पैदावार के मुआफिक है और उनकी नमी कैसी है। इसके लिए मिट्टी की जांच पड़ताल बेहद जरूरी है।
इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए गुज़श्ता दिनों अनंतनाग में मुतालिका महकमे की जानिब से एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। काश्तकारी के शोबे में इनकलाब लाने के लिए काश्तकारों का तमाम तरह से बेदार होना बेहद जरूरी है। अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी की पैदावारी कुव्वत को जानना काश्तकारों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इससे इस बात का पता चल जाता है कि उनके पास जो काश्तकारी की जमीन है उसमें कौन सी फसल लगाई जाए, उसमें कितनी खाद का इस्तेमाल किया जाए। इन तमाम बातों से काश्तकारों को बेदार करने के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों अनंतनाग में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनंतनाग की जानिब से सॉइल टेस्ट और काश्तकारों के दरमियान सॉइल हेल्थ कार्ड बांटने को लेकर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। हम शुक्रगुजार हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो हमारे इस गांव में आए हैं और हमारी खेत की कमजोरी देखने के लिए आए हैं। इसमें गोबर की कमी है, खाद की कमी है, पोटाश की कमी है, किस चीज की कमी है ये हम आगे बताएंगे। जब ये फसल उगेगा तभी ये मालूम होगा इस जमीन में किस चीज की कमी है हमें। इसीलिए हमारा ये डिपार्टमेंट कैमू ब्लॉक के आए हैं और साइन टेस्ट किया यहाँ पर। सॉइल हेल्थ कार्ड मिट्टी की पैदावारी कुव्वत का एक तरह से गारंटी कार्ड है। एक बार इसकी जांच के बाद उस रिपोर्ट के मुताबिक उस जमीन पर 3 साल तक फसल लगाई जा सकती है। इस दरमियान जो मिट्टी में बदलाव दर्ज होता है उसकी जांच भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हर 3 बरस के बाद मिट्टी के सेहत की जांच को जरूरी माना जाता है। इसके लिए बाकायदा अलग अलग इलाकों में मुतालिका महकमे के अहलकार मिट्टी को इकट्ठा कर उसकी जांच के लिए उसे लेबोरेटरी में भेजते हैं। पहले जमाने में हम ये देखते थे कि लोग ऐसे ही खादी की बोरी लेके जाते थे और फील्ड में डालते थे, लेकिन अगर वो खाद ज्यादा होगी तो वो दोबारा भी वही खाद डालते हैं, तो उस खाद को हमें कम करना है और जो खाद कम होती है तो उनको पता नहीं चलता है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हम टेस्ट एनालाइज करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि जिंक की डिफिशेंसी आ रही है। जो जब पैड़ी का क्रॉप बनता है तो उसमें खैरा डिजीज लगती है और अगर जिंक डालेंगे तो वो पैदावार बढ़ जाती है। हमें यहाँ टेस्ट से पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे जिंक की कमी है। अभी तो बजट टाइट है दुबे जी, मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोचकर बताता हूँ। राजीव, कोई दूसरा सीमेंट? आगे चलकर कोई गड़बड़ हो गई तो? डोंट वरी मम्मा, हम फिर से बना लेंगे। अरे ऐसे नहीं होता बेटा, घर थोड़े बार बार बनता है। हाँ दुबे जी, वो सीमेंट सिर्फ अल्ट्राटेक ही लगेगा। हाँ बिल्कुल पक्का। घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर एक अल्ट्राटेक। खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ ये नहीं सोचा। अरे पैकेट दूध सेफ, सबसे खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से? खुले में नहीं सेफ की गारंटी, पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी। ये आया अमूल डेयरी से। बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताज़ा है, 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ, सबसे खुले दूध को बंद कर अब से। अमूल दूध पीता है। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं। लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने नहीं। काश्तकारों के लिए ये बेहद जरूरी है कि वो वक्तन फवक्तन मिट्टी की जांच करवाते रहें और उसकी मदद से बेहतर काश्तकारी करें। सबसे खास बात ये है कि हर जिले में इस तरह की सहूलत होने की वजह से मकामी काश्तकारों को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। काबिल गौर है कि एग्रीकल्चरल महकमा खुद इलाकों का दौरा करता रहता है।
हम इसके लिए हम शुक्रगुजार है कि यहाँ पे आए और हमें इन्फॉर्मेशन दे दी, सॉयल टेस्ट किया और हमें पूरा इन्फॉर्मेशन दिया कि इसमें किस तरीके से आपको खाद इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उसके साथ ये भी बताया कि ये जमीन किस फसल के लिए बेहतर है और आज इसके साथ हमें कार्ड भी दे दिया और हम बार बार यहाँ पे आते हैं, हमें तरह तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं। काश्तकारी के शोबे में बेहतर बदलाव दर्ज होने लगा है। मौजूदा दौर के काश्तकार बाइख्तियार हो रहे हैं और वो नए नए तजर्बों पर अमल कर रहे हैं। वो अपनी जमीन पर मिट्टी की पैदावारी कुव्वत के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म की फसलों को लगाने पर गौर कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये हो रहा है कि जमीन को लंबे अरसे तक जरखेज बनाए रखने में मदद मिल ही रही है, साथ ही पैदावार में दर्ज हो रहे इजाफे से काश्तकारों की कमाई भी अच्छी हो रही है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके अखनूर के गरखल गांव में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ये मुहिम सामाजिक बदलाव के लिए आवाम पर मबनी डेवलपमेंट को फरोग देती है और जिंदगी की खुशहाली के जरिए देही जम्मू कश्मीर की प्रोडक्टिविटी में सुधार पर ध्यान मरकूज करती है। गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर के सैफ्रॉन के शहर पुलवामा में पहली बार सैफ्रॉन फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसमें इस शोबे से वाबस्ता काश्तकार, मकामी लोग, यूथ और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की, जहां पर एक रंगारंग प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया जो काफी सकाफती होने के साथ साथ यादगार भी बन गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से मैराथन का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह मौजूद रहे और उन्होंने झंडा दिखाकर लोगों को रवाना किया और जीत हासिल करने वालों को एजाज से भी नवाजा। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से शहीदों की याद में 10 दिनों तक चलने वाले प्रोग्राम का इख्तिताम गुज़िश्ता दिनों 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम के साथ किया गया, जहां एक कल्चरल प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया जिसमें मकामी फनकारों को अपने फन का मुजाहरा करने का मौका फराहम हुआ। और अब बात करते हैं गैजेट की। ब्लॉकफंक ने अपनी अगली पेशकश में एक नया वायरलेस ब्लूटूथ नेक बैंड लॉन्च किया है। इसमें काफी अच्छा साउंड स्पीकर है, साथ ही ये ANC फीचर से भी लेस है। कंपनी के मुताबिक इसमें 100 आवर्स का प्ले टाइम मिलता है। और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। कुछ ही दिन पहले मार्केट में ब्लॉकफंक ने अपना एक नया वायरलेस ब्लूटूथ नेक बैंड को बाजार में लॉन्च किया है जो काफी यूजफुल है। इस नेक बैंड का डिजाइन काफी शानदार है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी वायर और बैंड दोनों अलग अलग हैं, जिसकी वजह से इसे यूज करना काफी आसान है। इसे लंबे वक्त तक बहुत आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कम वजन होने की वजह से इसका नेक पर ज्यादा जोर भी नहीं पड़ता। इसका इस्तेमाल आप वर्कआउट करते वक्त भी आसानी से कर सकते हैं। इसकी ऑडियो क्वालिटी की अगर बात की जाए तो इसमें काफी अच्छा साउंड स्पीकर दिया गया है। ये एयरफोन ANC फीचर से भी लैस हैं। इसकी रेंज करीब 10 मीटर दी गई है। कंपनी का दावा है कि इसमें 100 घंटे का प्ले टाइम मिलता है। इस नेक बैंड को टाइप सी चार्जर के जरिए फास्ट चार्ज किया जा सकता है। इसमें वाइब्रेटिंग अलर्ट भी मिलता है। बैटरी के लिए नेक बैंड में LCD इंडिकेटर दिया गया है, यानी आप आसानी से इसकी बैटरी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर इसे काफी यूजर फ्रेंडली कहा जा सकता है। आखिर में बात करते हैं कठुआ जिले की, जहां का बेशतर इलाका जियोग्राफियाई तौर पर काफी दुश्वार गुजार माना जाता है। साथ ही सरहदी इलाकों में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक आने जाने में काफी मुश्किलें दरपेश रहती हैं। इसी के मद्देनजर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तैयार किए गए पुल की सौगात मरकजी हुकूमत की जानिब से वहां की आवाम को दिया गया है, जिसका काफी जोशो खरोश के साथ वहां के मकामी बाशिंदों ने खैर मकदम किया।
इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ढोल की थाप और उस पर रक्स कर रहे ये अपराध, ये बयार है जम्मू कश्मीर की, जहां तामीरों तरक्की का काम काफी तेजी से हो रहा है और इसी की अलामत पेश कर रही है ये तस्वीर। ये तस्वीर है कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में वाके सरहदी गांव की। यहां के बाशिंदों की जानिब से जश्न मनाने की वजह ये रही कि इन इलाकों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तैयार किए गए 5 पुलों का वजीर दिफा राजनाथ सिंह के जरिए वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया गया, जिसकी शुरुआत यहां के DDC मेंबर करण कुमार ने की। इतने खुश हैं कि आज हम अपने राजनाथ सिंह माननीय जो रक्षा मंत्री है उनको मुबारकबाद देते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को मुबारकबाद देते हैं, उसके साथ नरेंद्र भाई मोदी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री साहब हैं उसको मुबारकबाद देते हैं कि इतने बढ़िया हमारे बॉर्डर क्षेत्र में तो चलने के लिए रास्ते नहीं थे, आज इतने इतने बड़े रोड, इतने अच्छे अच्छे पुल, इतने ब्रिज, इतने फ्लाई ओवर, ये सारा इतनी सारी डेवलपमेंट आज हमारे एरिया में हो रही है कि हम उनका ये उपकार कभी भूल नहीं सकते। हमने कभी सोचा भी नहीं था हमें इतनी डेवलपमेंट हमारे बॉर्डर क्षेत्र में मिलेगी। वजीरे दिफा राजनाथ सिंह ने कठुआ जिले का पुल ही नहीं बल्कि एक साथ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तैयार किए गए 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करते हुए उसे मुल्क के हवाले किया। गौरतलब है कि 2180 करोड़ रुपए की लागत से तकरीबन 45 पुल, 27 सड़कें, 2 हेलीपैड और एक कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट की तामीर की गई है, जिनमें से सबसे ज्यादा 20 प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर के थे। बड़ी डेवलपमेंट है, लोगों का पलायन जहां से जाकर के बच्चों को पढ़ाने के नाते से, बच्चों को डेवलप करने के नाते से शहर की ओर जाने का जो पलायन की प्रक्रिया है उस पे बहुत बड़ी रोक लगी है। लोग अपने घरों में, अपनी जमीन में, अपने खेतों में मकान बना करके जहां ही बच्चों को पढ़ाना पसंद कर रहे हैं। कठुआ जिले में इस पुल के बनने से देही इलाके के लोगों की आवाजाही की मुश्किलें आसान तो हो ही गई हैं, साथ ही इन पुलों के बनने से पंजाब सूबे के शहरों जैसे अमृतसर और गुरदासपुर से भी ये सीधे तौर पर जुड़ गया है। पहले यहां से जम्मू और श्रीनगर जाने में काफी घूम कर जाना पड़ता था, पर अब इन पुलों के बनने से दूरी 80 से 90 किलोमीटर तक घट जाएगी। जो ब्रिज बना है ना, ये हमारी पूरी स्टेट को पंजाब से जोड़ता है, तो लगभग कोई 100 विलेज जो जिसको ये जोड़ता है, जहाँ से सीधा रास्ता श्रीनगर पंजाब से होकर अमृतसर से सीधा श्रीनगर को जाता है, इसलिए हमें इस ब्रिज की बहुत खुशी है। एक ब्रिज नहीं है, हमको भारत सरकार ने को लगभग 25-30 ब्रिज दिए हैं ऐसे, जो लगभग अरबों रुपये की लागत है, जिनके बनाने में खर्चा अरबों रुपये का खर्चा हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी का और माननीय राजनाथ सिंह जी का, जिन्होंने इनिशिएटिव लेकर हमारे बॉर्डर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी फैसला। आवाजाही को बेहतर बनाने पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। दीगर बात यह है कि इससे मुख्तलिफ तरक्कियाती कामों को अमली जामा पहनाने में भी मदद मिल रही है, साथ ही लोगों के पास रोजगार के नए नए मुतबादिल भी मुहैया हो पा रहे हैं। लोग अब मुकामी सतह पर रोजगार से जुड़ने लगे हैं और इससे उनकी तर्ज जिंदगी में भी बेहतर बदलाव दर्ज होने लगा है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि हर एक की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए जरूरी है कि वहां तक पहुंचने की राहें आसान की जाएं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क मंसूबा इसमें एक अहम रोल अदा कर रहा है और मुल्क के आखिरी छोर को सड़क से जोड़ने के हदफ को हासिल किया जा रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।